ये यात्रा संविधान की रक्षा की यात्रा है। हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग एक साथ इस यात्रा में चलते हैं। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश नदी आवाज है। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। चली चली भारत जोड़ो यात्रा चली 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 चली। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। इसका लक्ष्य जो बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, उसके सामने खड़ा होने का है। ये यात्रा संविधान की रक्षा की यात्रा है। ये जो हमारा तिरंगा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बिना इस तिरंगे का कोई मतलब नहीं है। इस यात्रा में हम सुबह 6 बजे से शाम तक चलते हैं। कभी बारिश होती है, धूप होती है, हम चलते हैं। और मैं सिर्फ अकेला नहीं चलता हूं, लाखों लोग साथ साथ चलते हैं। इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग एक साथ इस यात्रा में चलते। भीड़ में धक्का लगता है, कोई गिरता है, सब लोग उसको उठाते हैं, मदद करते हैं। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कौन सी भाषा बोलते हो, तुम्हारी जात क्या है, ये सवाल नहीं पूछते, एकदम मदद कर देते हैं। यही हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, शांति का हिंदुस्तान, भाईचारे का हिंदुस्तान। और ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा चलेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। हम चलते हैं 6-7-8 घंटे चलते हैं, सुबह से शाम चलते हैं, और इस पदयात्रा में हमसे लोग मिलकर हमें उनका दर्द बताते हैं, बेरोजगारी के बारे में बताते हैं, महंगाई के बारे में बताते हैं, किसानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बताते हैं, पीएसयूज को जो प्राइवेटाइज करा जा रहा है उसके बारे में बताते। पूरा हिंदुस्तान अपना दर्द, अपना दुख इस यात्रा को बताता है। लंबे भाषण नहीं होते, 2-3 घंटे के भाषण नहीं होते, 7-8 घंटे चला जाता है, 15 मिनट भाषण होता है। मतलब पदयात्रा का लक्ष्य आपको बताने का नहीं है, आपकी बात सुनने का है। सवाल पूछा जा सकता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलने की क्या जरूरत पड़ी। लोकतंत्र में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मीडिया होती है, पार्लियामेंट होता है, ये सब रास्ते विपक्ष के लिए बंद कर दिए गए। मीडिया में हमारी बात नहीं कही जाती, पूरा कंट्रोल सरकार का मीडिया पे रहता है। पार्लियामेंट पे हम कुछ बोलना चाहें वहां हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, विधानसभा को चलने नहीं दिया जाता है, ऑपोजिशन को अरेस्ट किया जाता है। इसलिए हमारे पास सिर्फ यही रास्ता बचा है, जनता के साथ हजारों किलोमीटर चलने का रास्ता, यही विपक्ष के पास आज बचा है। और इस रास्ते पर चलने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि इस पे हम नहीं चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान की आवाज है, यात्रा हिंदुस्तान की आवाज को सुन रही है।
हिंदुस्तान की आवाज को कोई भी शक्ति चुप नहीं कर सकती। आप सबका मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं। ऐसी धूप में आप दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, और अगले 20-25 दिन आप मेरे साथ ऐसी कड़ी धूप में चलोगे, और जो कर्नाटक का दर्द है, जो कर्नाटक का दुख है, उसको आप सब सुनोगे। कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उसके बारे में आप सबको सुनने को मिलेगा। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। उठे मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दिया। But I